studies transaction of loss of goods in the business. Okay, and जैसे कि goods other ways में कैसे business से बाहर जाते हैं वो देखते हैं. First transaction है goods of rupees 1000 is withdrawn from business for personal use. हमने 1000 की goods withdraw की है business से personal use के लिए. Personal use मतलब एक चीज बाहर निकलेगी drawings एंड दूसरा goods. ये पर्सनल अकाउंट है और ये रियल गुड्स गोज आउट, इसलिए गुड्स क्या हो जाएंगे क्रेडिट. एंड रिसीवर इज द ओनर, इसलिए ओनर क्या हो जाएगा डेबिट. तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेस अकाउंट. बेटा ध्यान रखना यहाँ पे हमारे गुड्स बिके नहीं है तो हम यहाँ पे सेल नहीं लिख सकते. गुड्स बिके नहीं है ये तो ऐसे ही अदर वे से गुड्स बाहर गए, इसका मतलब क्या हुआ परचेस कम हुई है. मतलब जितना भी हमने परचेस किया था गुड्स हमारे पास था वो क्या हो गया उसकी अमाउंट रिड्यूस हुई है, तो इसलिए यहाँ पे परचेस अकाउंट मैंने क्रेडिट किया. अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं गुड्स ऑफ रुपीज 700 डिस्ट्रॉयड बाय फायर इट वाज नॉट इंश्योर्ड. 700 रुपए के गुड्स जल गए फायर में और उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं था. तो देखो बेटा एक तो हो जाएगा लॉस एंड दूसरा हो जाएगा गुड्स, क्योंकि पहली बात तो जलने की वजह से हमको क्या हुआ है लॉस हुआ है और क्या जले हैं गुड्स, तो ये रियल अकाउंट है और ये लॉस जो हुआ है वो है नॉमिनल अकाउंट. तो लॉस होता है डेबिट हमेशा एंड गुड्स गोज आउट, क्योंकि जल गए तो बेटा आप संभाल के तो रखोगे नहीं, गुड्स गोज आउट तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट. तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 700 टू परचेज अकाउंट. क्यों मैंने बताया परचेज अकाउंट, क्योंकि बेटा गुड्स अदर वे से जब भी बाहर जाएंगे मतलब सेल के अलावा जब भी बाहर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे परचेज अकाउंट. आगे वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं गुड्स ऑफ रुपीज 500 इज स्टोलन फ्रॉम बिजनेस. स्टोलन का मतलब होता है चोरी होना, स्टोलन का मतलब होता है चोरी होना. 500 रुपए के गुड्स हमारे बिजनेस से चोरी हो गए, अगेन ये क्या है लॉस, यही सेम चीज लॉस है और क्या चोरी हुआ है गुड्स, तो लॉस क्या हो जाएगा डेबिट एंड गुड्स गोज आउट गुड्स बाहर गए इसलिए गुड्स अकाउंट क्रेडिट. तो लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट डेबिट 500 टू परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट क्यों आया क्योंकि गुड्स गोज आउट इन अदर वेज एंड लॉस हुआ वो डेबिट हो गया 500 का. ठीक है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं गुड्स स्टोलन रिसीव्ड बैक ऑफ रुपीज 100 ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन. ओहो पुलिस काम कर गई हमारी, जो भी गुड्स हमारे चोरी हुए थे उसने चोर को पकड़ लिया और 100 रुपए के गुड्स हमारे हमको मिल गए. तो बेटा मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, ये जो इफेक्ट की थी मैं क्या कर दूंगा इसको उल्टा, क्योंकि क्या हुआ पहले मुझे लॉस हुआ था ठीक है तो मैंने ऐसी एंट्री कर दी थी और वही गुड्स वापस मिल गए तो मैं क्या कर दूंगा इसी एंट्री को पूरा घुमा दूंगा. मतलब परचेस अकाउंट है बिट टू लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट 100 रुपए. बेटा अमाउंट यहाँ 100 आएगी ध्यान रहे, पहले मेरा चोरी हो गया था तो मैंने ये एंट्री पास की थी, जब मिल गया तो क्या कर दिया मैंने उसका उल्टा इफेक्ट कर दिया, परचेस को डेबिट कर दिया लॉस ऑन गुड्स को क्रेडिट कर दिया, पर अमाउंट यहाँ पे क्या है 100. ठीक है अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं गुड्स ऑफ रुपीज 2500 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम फॉर इट. बेटा देखो 2500 के गुड्स जल गए तो एक तो क्या चीज बाहर निकलेगी गुड्स, पर बेटा जले हैं पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया एडमिट कर लिया है क्लेम. मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने हमको ऐसा बोला है कि आपके जितना भी नुकसान हुआ है हम आपको उतना पैसा दे देंगे, तो दूसरा क्या बाहर निकलेगा इंश्योरेंस कंपनी और एक गुड्स. अब देखो गुड्स गोज आउट गुड्स तो गए हमारे तो गुड्स क्या हो जाएगा क्रेडिट. अब हमको पैसा किससे मिलने वाला है रिसीवेबल. बेटा इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या हो गई अभी रिसीवेबल. रिसीवेबल समझ आता है कि हमको फ्यूचर में उनसे पैसा मिलने वाला है, तो ऐसे केस में जब भी हमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला होता है हम उसको क्या करते हैं डेबिट, क्योंकि वो हमारी असेट होती है. बेटा नोट दैट थिंग, अभी तक पैसा मिला नहीं है मिलने वाला है. एडमिटेड क्लेम का मतलब उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है कि हम आपको पैसा देंगे, ना कि अभी दिया नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए अभी रिसीवेबल है. ओके टू परचेस अकाउंट टू गुड्स गोज आउट. नेक्स्ट देखते हैं बेटा
goods of rupees 4000 due to sinking of steamer for which insurance company has admitted claim of 50% amount. Okay, so हमारे goods क्या हुए हैं? वो steamer होता है ना boat, उस boat में डूब गए. ठीक है, boat ही boat डूब गए हमारे, तो हमारे goods भी डूब गए. 4000 के total goods थे, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है बताए कि हम 50% अमाउंट देंगे. 50% का मतलब क्या हो जाएगा? 2000 इंश्योरेंस कंपनी देगी. हमारा तो लॉस कितने का हुआ? 2000 का हुआ ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमको 2000 देने वाली है. ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी 2000 एंड लॉस हमारा कितना हुआ? 2000. एंड गुड्स कितने के बाहर गए बेटा? 4000 के गुड्स बाहर गए. ठीक है, तो ये रियल, ये नॉमिनल और ये रिसीवेबल है. ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको पैसा मिलने वाला है इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. अभी तक मिला नहीं है 2000. लॉस ड्यू टू सिंकिंग, हमको 2000 का जो लॉस हुआ है वो लॉस को मैंने डेबिट कर दिया है टू परचेस अकाउंट बिकॉज गुड्स गोज आउट. ओके, है गुड्स ऑफ ₹500 गिवन एज अ डोनेशन. डोनेशन में हमने गुड्स दिए हैं, तो बेटा देखो डोनेशन और क्या बात निकलेगा? गुड्स. ये नॉमिनल हो जाएगा, ये रियल. डोनेशन हमारा एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट, गुड्स गोज आउट इसलिए ये क्रेडिट. डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. गुड्स फॉर ₹200 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस. हमने ₹200 के गुड्स ऐसे फ्री में एडवर्टाइज के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड दूसरा गुड्स बाहर गए. एक नॉमिनल और एक रियल. ये एक्सपेंस डेबिट, गुड्स गोज आउट इसलिए गुड्स क्रेडिट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. अगला देखते हैं, गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल. हमको फ्री में सैंपल मिला है बेटा, हमने कोई पैसा दिया नहीं. हम कुछ फ्यूचर में पैसा देने वाले हैं नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अगला देखते हैं 25 नंबर. गुड्स ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन 22 सोल्ड एंड रियलाइज्ड 300. बोलो, हम बहुत लालचू इंसान है. पता है कैसे लालचू इंसान है? हमको जो 22 पे गुड्स मिले थे ना, हमने क्या किया पता है? ये 25 पे बेच दिए ₹300 में. और जो भी पैसा आ गया क्या जाता है नहीं, तो हमने जो यहाँ पे गुड्स हमको फ्री में मिले थे ना, हमने उसको बेच दिए ₹300 में. तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट. और ये हमने सेल किया है टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स गोज आउट. इसकी एंट्री होगी बेटा, क्योंकि इसमें पैसा अंदर आ रहा है, पर इसमें कुछ लेना देना नहीं था. इसमें कहीं भी पैसों का लेना देना नहीं था, पर इसमें पैसा अंदर आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300. अगला देखते हैं, गुड्स ऑफ ₹1500 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹900, 200 रियलाइज्ड फ्रॉम स्क्रैप ऑफ दिस गुड. बेटा ये ट्रांजैक्शन बहुत ही अच्छा है. देखो, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे ₹900 एडमिट कर लिए कि भाई ₹900 हम आपको दे देंगे. हमने ₹200 में जो भंगार होता है भंगार वो बेचा, तो हमको कितने रुपए मिले? ₹200, मतलब कैश मिला हमको ₹200. ठीक है, 900 ने 200, 1100 रुपए हमको मिल गए. और हमारे गुड्स कितने के बाहर गए हैं? 1500 के गुड्स हमारे बाहर गए हैं, उसमें से हमको 900 और 200, क्योंकि 900 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है एंड 200 हमने भंगार बेचा तो मिल गया. तो हमारा लॉस कितना होगा बेटा? 400 का. ठीक है, सो देखो ये रिसीवेबल हो जाएगा हमारे लिए, ये कैश भी हमको मिल गया रियल अकाउंट, लॉस नॉमिनल अकाउंट एंड गुड्स रियल अकाउंट. बेटा गुड्स गोज आउट, गुड्स तो बाहर गए इसलिए गुड्स अकाउंट क्रेडिट, लॉस डेबिट हो जाएगा. कैश अंदर आया बेटा, भंगार बेचा तो पैसा आपके पास आया, तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट. इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल है, तो वो भी डेबिट. तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 900, कैश अकाउंट डेबिट 200, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट 400, टू परचेस अकाउंट 1500. ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा. गुड्स ऑफ ₹600 डिस्ट्रॉयड बाय रेन व्हिच इज सेव सोल्ड फॉर 200. हमारे 500 600 रुपए के गुड्स बारिश में भीग के खराब हो गए थे,
पर उसमें क्या कि हमने पता है सस्ते में देते हैं, अगर कुछ चीज खराब हो जाती है तो क्लियरेंस, जिसको आप बोलते हो क्लियरेंस से, तो वैसे ही सस्ते में हमने 200 रुपए में बेच दी, मतलब मेरे को कैश मिला होगा 200 रुपए, और गुड्स कितने के खराब हुए 600 रुपए, तो मेरा लॉस कितना हुआ बेटा 400 रुपए, क्योंकि 200 तो मुझे मिल गया है। ये रियल, ये नॉमिनल, और ये भी रियल। गुड्स गोज आउट, क्रेडिट, लॉस, डेबिट, कैश अंदर आया क्योंकि आपने सामान बेचा, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट भी डेबिट। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट 200, लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट 400, टू परचेज अकाउंट अमाउंट मस्ट बी 600। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था सम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू लॉसेस, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग।